टेस्टी बनना है। आज मैं हिंदी दिवस पे एक कविता सुनाने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो है मजबूत धागा है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, सरल शब्दों में कहे तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अद्भुत परंपरा है हिंदी और हर दिल का अरमान है हिंदी। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत अभिनंदन। आज 14 सितंबर है और हिंदी दिवस है, इसलिए आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा, भाषा क्या है? हमारे भावों की अभिव्यक्ति, यानी कि आदान प्रदान। हम अपने भाव जो है दूसरों तक पहुंचा सके और दूसरे अपने भावनाएं हम तक पहुंचा सके, यही भाषा का एक माध्यम है, अभिव्यक्ति का। तो पूरे देश की उन्नति के लिए, उसको एकता के सूत्र में बांधने के लिए, सहयोग की भावना के लिए, परस्पर प्रेम के लिए और उन्नति के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या है, बहुत समय तक अंग्रेजों का हम पर शासन रहा और इसलिए लोग जो है अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी के भी गुलाम हो गए। हमारा देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन आज भी वर्तमान में केवल लोग शरीर से स्वतंत्र हैं, उनकी आत्मा आज भी अंग्रेज है। हिंदी बोलने में उन्हें हीन भावना लगती है और अंग्रेजी जो बोलते हैं उन्हें वो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना तो तभी चाहिए था और लोगों ने कोशिश भी की थी कि हिंदी को ही जो है राष्ट्रभाषा मान लिया जाए और उसे अनिवार्य घोषित कर दिया जाए, क्योंकि विद्यार्थी जब तक अपनी भाषा को ग्रहण नहीं करेंगे, उसे नहीं समझेंगे, तब तक वो अपनी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान भी नहीं रख सकते। आज बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसलिए हिंदी के प्रति उनमें कोई स्वाभिमान की भावना नहीं है, देश के प्रति कोई स्वाभिमान की भावना नहीं है। तो उस समय जिन्होंने कोशिश की थी उनकी कोशिश बेकार गई, अंग्रेजी को जो है सर्वप्रथम स्थान मिल गया और हिंदी को द्वितीय स्थान, और आज तक लगातार वही चलता आ रहा है। तो जो स्थान हिंदी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि समूचे भारतवर्ष के अंदर जो हिंदी भाषा है उसी को अनिवार्य विषय के रूप में लाना चाहिए। जब तक संसद में संपूर्ण भारत की भावनाओं का आदर नहीं किया जाएगा, समझा नहीं जाएगा, तब तक जो है हमारा देश सर्वप्रथम देशों में माना नहीं जाएगा, क्योंकि सबकी आवाज संसद तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और वो अपनी भाषा में, यानी कि हिंदी भाषा के अंदर। और जब हिंदी भाषा को सम्मान मिल जाएगा तो हमारा लोकतंत्र गूंगा नहीं रहेगा और सभी छोटी बड़ी बहनों को भी, यानी कि भाषा जो हमारी मातृभाषाएं हैं उनको भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि हिंदी भाषा हम भारतीयों की आत्मा है। हमारी भावनात्मक अभिव्यक्ति केवल हिंदी भाषा में ही हो सकती है, तभी हमारी भारतीयता की पहचान होगी। इसलिए अंग्रेजी बोलने वालों का सम्मान करने की बजाय हिंदी बोलने वालों का सम्मान करना चाहिए और अंग्रेजी उन लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए जो शरीर से भारतीय और अंतर आत्मा से अंग्रेज हैं। आज हिंदी दिवस पर मैंने बच्चों को भी गतिविधि दी थी। थर्ड के देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ने ड्राइंग की, किसी ने कविता सुनाई, तो दो चार जो मुझे अच्छी लगी है वो झलकियां मैं आपको दिखाऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम चित्रा सैनी है, मैं कक्षा थर्ड में पढ़ती हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके दौरान मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हिंदुस्तान की शान है हिंदी,
हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम खुशी सैनी है। हिंदी दिवस के अवसर पे मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। हिंदी है हिंदुस्तान की आन, हिंदी है जन जन की अभिमान, हिंदी है जन जन का अभिमान। एक दौर जो सबको भांडे, हिंदी हमें रखे आगे। हिंदी है मीरा की तान, वही है शुभ वरदान। एक हिंदी है उदारता की वाणी, जिसे पसंद करे भारत का हर प्राणी। हर प्राणी माँ की लोरी, पिता की दाद, हिंदी से ही होती सारी प्यार की बात। हिंदी को मत समझो काम, गर्व से बोलो हिंदी हम, गर्व से बोलो हिंदी हम, गर्व से बोलो हिंदी हम। धन्यवाद। तो आप भी सब बेटा आज प्रण करो कि हिंदी को ही जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए सभी भाषाओं के अंदर। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष में जो है मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ कि हिंदी दिवस पर हमने ये ठाना है सभी भाषाओं के शीर्ष पर हिंदी को बिठाना है, लोगों के दिलों में हिंदी का प्यार जगाना है, क्योंकि हमारे देश की शान है हिंदी, हम सबका मान है हिंदी। तो धन्यवाद बच्चों। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। हैप्पी मेवा संगीत दिवस।